अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्लाह का करम है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ हमारा छोटा सा प्यारा सा पेट रैबिट घूम रहा है, जिसका नाम हानिया ने रखा है रॉबिन। ये बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारा है। और यहाँ सो रही है हानिया। हानिया उठ जाइए बेटा, पढ़ना नहीं है आपको। अच्छा नहीं उठना है। हानिया तो नहीं उठने वाली है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नींद में है। और वैसे भी मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया क्योंकि इस टाइम ना वो हाफिज से पढ़ती है पारा, तो आज तो नहीं आए हैं, तो शायद आज छुट्टी है, तो मैंने कहा चलें सोने देते हैं। और तब तक के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने घर में ऊपर लगाया हुआ है धनिया। तो होता है ना, अच्छा लगता है ऑर्गेनिक, आपको फ्रेश फ्रेश घर का मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके के फ्रूट्स के जो कैरेट्स होते हैं ना, उसमें यहाँ पे बोरी लगा के मिट्टी डालकर इस तरीके से यहाँ पे ना धनिया लगा दी। तो भी छोटी छोटी सी पत्तियाँ जो हैं वो आ गई हैं, तो देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। बस कुछ दिन बाद धनिया भी तैयार हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे तीन कैरेट्स हैं और यहाँ पर ना थोड़ा सा ये गिर गया हुआ है शायद पानी के प्रेशर से, तो बस कोई बात नहीं, बाद में पापा ने कहा ये बाद में ठीक हो जाएगी। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अपने घर की ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए। और यहाँ तो मैंने आपको दिखाया हुआ था कि यहाँ पे मेरी मिर्च लगी हुई है, अभी सारी मिर्च ना पक गई हैं, बिल्कुल लाल हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना हानिया की ड्रेस और एक अपनी ड्रेस ली थी, तो मैंने सोचा चले आज आप लोगों को दिखाया जाए और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा। तो ये था ना, एक स्कर्ट है और बहुत ही प्यारा है इसका कलर ना, इसका फैब्रिक भी बहुत ही शाइनिंग है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे दो फ्लावर्स हैं जो कि जो ऊपर का टॉप है ना उससे मैचिंग है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और प्लस बहुत ही कंफर्टेबल है, बच्चे बहुत ही आराम से पहने, बहुत ही मतलब कोई चुभने वाली चीज़ नहीं है इसमें। और ये कलर भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा कलर लगा मुझे ये। वैसे हानिया ने पिंक पहना, रेड, मतलब ये कलर ना अभी तक हानिया ने नहीं पहना, मेरी आदमी तो अभी तक नहीं पहना, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसका टॉप जो है वो भी बहुत ही प्यारा है, मतलब कॉम्बिनेशन ना इसका बहुत ही अच्छा है। ये देख सकते हैं इसका फैब्रिक थोड़े से इस तरीके से लगे हुए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को चुभेगा क्योंकि अंदर ना इस तरीके से दिया हुआ है असर, तो ये बहुत ही अच्छा है। और स्कर्ट का कलर का यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ पे ना पर्ल दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, और आप लोग को बताइएगा कि कैसी लगी ये ड्रेस। और सेकंड ड्रेस थी मेरी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब मैंने ऑर्डर करने से पहले ऑनलाइन मैंने ये मंगाया था, तो फोटो देखी थी तो मुझे इतनी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी जितना मुझे सामने से देखने में इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना ड्रेस, मतलब अब ना ये मेरा फेवरेट हो गया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा। ये दुपट्टा जॉर्जेट का है और इस पर लैस ना, सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये पर्ल वाली आएगी, एक साइड में ना ये पर्ल वाली लेस लगी हुई है और पूरे दुपट्टे में ना इस तरीके की जरकन जो है वो लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी साइड की बात करें तो ये वाली लेस लगी हुई है, तो जब भी मतलब दिल करे एक साइड कभी इधर का चेंज कर सकते हैं, कभी उधर का ओढ़ सकते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसका दुपट्टा ना। और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब ये नहीं था कि छोटा सा है, अच्छी है। तो इसको रखते हैं साइड में और दिखाते हैं आपको अपनी ड्रेस। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको अपना प्लाजो जो कि बहुत ही प्यारा था ना, मतलब कुर्ते के साथ साथ प्लाजो में भी वर्क दिया है इसकी मोरी में, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही सॉफ्ट जो फैब्रिक था, शैनिल सॉफ्ट था, और इस पर वर्क ना ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ही प्यारी है। इसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी और अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, साइज़ भी सही था, मतलब जैसे मंगाया वैसे ही आया और जैसे मतलब सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा आया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसे रखते हैं साइड में और दिखाते हैं अब सबसे खूबसूरत जो कि कुर्ता, बहुत ही खूबसूरत है सबसे ज़्यादा ना, बहुत ही अच्छा लगता है इसका जो मुझे नेक का डिज़ाइन है ना वी शेप में, मतलब जो एम्ब्रॉयड्री है वो वी शेप में है और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन, इसका कलर, तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। तो इस तरीके से नेक पे वी शेप में था, वर्क भी था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसका फैब्रिक भी तो अच्छा ही है और इसकी स्लीव्स ना सबसे खूबसूरत जो है वो इसकी स्लीव्स है, लूज़ है, वो पाकिस्तानी नहीं होती, थोड़ी सी लूज़ वाली स्लीव्स, तो बहुत अच्छी लगती है। और दुपट्टे में जो पर्ल वाली लैस दी हुई थी वो इसकी स्लीव्स में दी हुई थी और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था।
तो मैंने पहन के भी देखा, वैसे फिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा सा लूज़ है तो थोड़ा सा कुर्ती में एक दो सिलाई चलेगी, वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी स्लीव्स ना स्पेशली मैं क्या बताऊँ ना, मैं जैसी ड्रेस चाहती थी मुझे वैसी मिल गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी के साथ साथ स्लीव्स में भी वर्क है और इस तरीके से कुर्ते के बॉर्डर में भी वर्क है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ड्रेस अच्छा लगा या नहीं लगा, या मेरी पसंद आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई, क्योंकि मुझे तो पसंद है। मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि मुझे मैं जैसा ड्रेस चाहती थी वैसा मिल गया। इसका बहुत ही मतलब सॉफ्ट, वैसे भी मुझे शैनल बहुत पसंद है, सर्दियों में बहुत ही सॉफ्ट होती है और बिना स्वेटर की जरूरत नहीं होती है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे। क्या कर रही हैं आप? अलीबा पढ़ रहे। आपके हाफिज जी नहीं आए आज? नहीं। क्यों? जी। चलिए यहाँ से पढ़िए, बिस्मिल्लाह करिए पहले। बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाफिज जी बिस्मिल्लाह कहते हैं? अच्छा तो चलिए पढ़िए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये क्या है? दाल दाल राजा। ये क्या है? सीन, बड़ी सीन, बड़ी शीन। हाँ। और ये क्या? ये आपने क्या किया, फाड़ दिया है ना आपने? गंदी बात है। ये क्या है ये बताइए आप? तो नहीं बताइए आप। जाद अच्छा ये बताइए हाफिज जी आपको कलमा कहाँ से पढ़ाते हैं? वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। नहीं औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसे पढ़ते हैं हाफिज जी, कैसे पढ़ाते हैं? वेरी गुड। नहीं कलमा सुनाइए, कैसे पढ़ती हैं पहला कलमा? पहला कलमा तैयबा, बहुत अच्छे। और दूसरा कलमा? पहला कलमा नहीं, दूसरा कलमा शहादत। अच्छा अच्छा ये बताइए आपको हाफिज जी ने क्या आज सबक दिया है? क्या सबक दिया? नहीं ये नहीं दिया है, ये भी नहीं, ये भी दिया है। सुनिए अच्छा पहले आप मुझे ये सुनाइए, अलिफ बा सुनाइए। अलिफ अलिफ बा, आपने बिस्मिल्लाह नहीं किया। बिस्मिल्लाह अलिफ बा ता सा जिम हा खा। हाँ 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 आराम से। जिम हा खा दाल जाल राजा सीन बरसी स्वाद। ये क्या? ज़ुआद। तेज से पढ़िए। ज़ुआद। ये क्या? तो ज़ो एंड गर्ल। और यहाँ ये क्या? ये कफ। फा फा कफ कफ नम मीन नून वाव हमजा। यही ये क्या? ये आपने नहीं पढ़ा। हाँ हाँ हम जा छुटिया। वेरी गुड। चलिए अस्सलाम वालेकुम करिए। अस्सलाम। तो आज हानिया के हाफिज जी नहीं आए थे तो आज मैंने ही पढ़ा दिया। और चलें इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।